उज्जैन के वैशाख माह में वर्ष भर में एक बार पंचकोशी यात्रा निकलती है। पांच पड़ाव पर हजारों की संख्या में भक्त मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से पहुंचते हैं और इस पांच दिन की यात्रा में पैदल चलकर पंचकोशी करते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन से बल लेकर पूजा अर्चना कर शुरू होती है। उज्जैन शहर में पंचकोशी यात्रा वैशाख माह में प्रत्येक वर्ष निकलती है और यह पंचकोशी यात्रा पांच दिन तक चलती है, जिसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर और राज्य के भक्त शामिल होते हैं और पैदल चलकर करीब 118 किलोमीटर तक इस यात्रा में शामिल होते हैं। नागचंद्रेश्वर शिव मंदिर पर भक्त पहुंचते हैं और विधि विधान के साथ नागचंद्रेश्वर शिव की पूजा अर्चना कर बल लेकर 118 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस यात्रा में भक्त पैदल चलते हैं और नाचते गाते हुए भगवान शिव की भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं यात्रा में आने वाले पांच पड़ाव पर रात रुक कर पूजा अर्चना भक्ति करते हैं और दाल बाटी चूरमा बनाकर देवादिदेव महादेव को भोग लगाते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बताइए, ये जो पंचकोशी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है, क्या इसका महत्व रहता है और कितने दिन तक यह रहती है? ये पंचकोशी यात्रा अवंतिका क्षेत्र में नागचंद्रेश्वर महादेव से ये पंचकोशी यात्रा प्रारंभ होती है, जो कि लगातार पाँच दिन तक चलती है। इसके अलग अलग पड़ावों पर ये विश्राम लेती हुई फिर पाँचवें दिन नागचंद्रेश्वर महादेव आते हैं। इस यात्रा में भगवान नागचंद्रेश्वर बल प्रदान करते दर्शनार्थी जो यात्रा में जाते हैं। इस यात्रा में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यात्रा में शामिल होते हैं, लेकिन प्रति दो वर्ष से कोविड के कारण ये यात्रा स्थगित की गई है। इसके मान्य से मंदिर में पुजारी गण ही भगवान की सेवा कर रहे हैं नित्य और पंचकोशी का लाभ ले रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।